जी बहुत शुक्रिया, सामलीपम, गुड मॉर्निंग। और बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं आपके से। बहुत सारे चेहरे काफ़ी दिनों के बाद मुझे नज़र आ रहे हैं और खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हम जितने भी दूर दूर हों, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन DXN की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं और हमें जब भी मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि मकसद एक है, ड्रीम एक है, सपना एक है, सिस्टम एक है। ओके, तो इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई जो है बहुत दूर दूर से आज जमा हो जाते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज है आज मेरा। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप बस में बैठे हैं, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, फिर आप जाके ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई ये बस किधर जा रहा है। अब ड्राइवर नहीं, पूरा बस आपकी तरफ देखेगा, बोलेगा भाई हेलो किधर, 25 मिनट हो गए बस को चले हुए, तुम्हें उठ के अभी पता चलता जा रहा है कि ये बस किस तरफ जा रही है। क्या तुम्हें चढ़ने से पहले, सफर शुरू करने से पहले, क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम्हें किधर जाना है, तुम्हारा टारगेट क्या है, कौन सी सिटी है, क्या तुम्हें हासिल करना है। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि UAE में आकर किसी को 1 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं भाई क्यों आए हो UAE में। आप यकीन करें उनकी हालत ऐसी ही होती है जैसे आप किसी बस में चढ़ के आप बोले हेलो ये बस किस तरफ जा रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे सपने क्या हैं, मेरे ड्रीम क्या है, मैं क्यों आया हूं UAE में, मुझे कब वापस जाना है, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मेरा सपना क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है यहाँ पे। तो लोग भूल गए हैं, लोग जानते नहीं है, लोग समझते नहीं। बड़ी जरूरी बात यह है कि सैफ भाई जब बात कर रहे थे, मैंने इसलिए खड़ा किया हुआ है, मैंने इनको बोला था कि तुम इंटरनेशनल लीडर हो, मुझे इसके अंदर नजर आ रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जबान से बोलता है कि कितनी कंट्रीज में इस आदमी को सुनते हैं लोग, इसके लिए जगह देते हैं, ये इज्जत मिलती है। हम DXN में किसी बिजनेस, किसी प्रोडक्ट की सेल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उस जिंदगी की बात कर रहे हैं जो कि लाखों लोग पैसा खर्च करके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा पैसा भी अगर उनके पास है लेकिन उनके पास इज्जत नहीं होती या उनके पास वो मान सम्मान, या अगर वो रास्ते में उस दिन भी मैं लुलू गया तो वहां से हमारे साथ एक साहब गुजरे, ओके थोड़ा अच्छा सा, उन्होंने कोट शोट और कंडीशन भी की हुई थी तो सर करीब से गुजरे। अच्छा मैं उनको पहचानता था, वो यूसुफ अली साहब थे, लेकिन मेरी वाइफ और वहां पे कितने कस्टमर थे वो नहीं जानते थे कि हमारे दरमियान में ऑनर कौन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग DXN के जरिए से जहां भी जाते हैं और जिस सिटी में जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मोहब्बत और जो इज्जत और जो लोगों का हमें प्यार मिलता है तो वो शायद मैं किसी बोनस के साथ, किसी पैसों के साथ, मैं किसी चीज के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकता।